और अभी मैं हूँ जीटी रोड पर। बेसिकली आज की छुट्टी थी कॉलेज की, जैसा मैंने बता दिया, तो अभी कॉलेज तो जा नहीं रहा, तो फिलहाल के लिए जा रहा हूँ शालीमार बाग, क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट जो अपना पार्सल वगैरह ऑर्डर कह लो कुछ कह लो, तो वो दे के आने से शालीमार बाग में, तो वहाँ पे जाके स्कूल में देने बेसिकली, तो वहाँ पे जाने के बाद दिखाता हूँ कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं, शालीमार बाग के कौन से स्कूल में। वैसे वहाँ पे पापा डेली ड्यूटी है पापा की स्कूल में, तो उसी स्कूल में गए थे, तो वहाँ पे जाके मिलता हूँ मैं आपको स्कूल में जाकर सीधा। पहुँच गया था स्कूल में और स्कूल में माल भी दे दिया था और निकल गया हूँ यहाँ से। अभी बिल्कुल 10 मिनट पहले ना यहाँ पर मेरे को इसी रोड पे पकड़ा गया, दूसरी साइड पे ट्रैफिक पुलिस वालों ने पकड़ लिया, बिकॉज अपना मैं कर रहा था भाई फ़ोन पे बात और इलीगल तो था ही था भाई, तो इस वजह से पकड़ लिया और साइड में लगवाया। फिर पूछा दो चार चीज़ें, लाइसेंस दिखाओ ये और वो, पापा करते हैं ऐसे ऐसे बता दिया, फिर सर है गलती है ये और वो, फिर कहते क्यों कर रहे थे, क्यों फ़ोन चला रहे थे। एंड बाय द वे यार, मैं चला भी इसलिए रहा था क्योंकि मेरे फ़ोन में चल रही थी नेविगेशन, और नेविगेशन के बाद मेरे को यूं भी पूछना था, नंबर के लिए मांगना था, पापा से कॉल कर रहा था, इतने में ही उन्होंने पकड़ लिया। तो ये चीज़ में गलती है मेरी इस चीज़ की भी, ये काम मेरे को अपना उस पर करना था, क्या बोलते हैं, फ़ोन पर करना था, रुक के पार्क करके कहीं पर, जब मेरे को ये काम करना था। और तो चलो कोई नहीं, अब तो छोड़ दिया। बाय द वे थैंक्स टू दिल्ली पुलिस, समझते भाई वो भी, ट्रैफिक पुलिस वाले भी, ऐसा नहीं है कि अंदाज़ा भाई चलाने ठोक देंगे, ऐसा भी नहीं है, समझते हैं इस बात को भी। चलो भाई चलते हैं अपना अब घर की तरफ, क्योंकि घर पे भी काफ़ी सारे काम है, नहाना धोना पहले तो, और फिर दुकान पे काम है बेसिकली ज़्यादा। तो कर दिया पार्क यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, इतने में नाई पास अपना भाई थोड़ा सर की मसाज करवाया हूँ, क्योंकि भाई वो ज़रूरी होती है और करवानी चाहिए, सर्दियों में तो ज़रूर करवानी चाहिए। मम्मी तो भाई मेरी बिजी रहती है, तो और मम्मी इतना अच्छे से कर भी नहीं पाती जितनी अच्छे से नाई कर देते हैं, इसलिए चलता हूँ और करा लेता हूँ एक बारी मसाज सर की। सो भाई लोग दोपहर के बज चुके हैं 3:15, तो नहा धो के खा पी के अपना बढ़िया बेड फोल्डिंग पे लेट चुका हूँ, तो सोने की तैयारी है फुल, ताकि रेस्ट हो जाए बढ़िया, क्योंकि शाम को जिम में भी जाना और पता नहीं बाल कैसे हो सकते हैं, शैम्पू करने के बाद बहुत अतरंगी से ही हो जाते हैं, मतलब सिल्की टाइप से, और संभाल में नहीं आते कहीं, कभी ऊपर हो जाते कभी टेढ़े वेढ़े, अलग अलग से हो जाते। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, फिर रेस्ट करके उठने के बाद मिलता हूँ और मिलता हूँ। सो भाई लोग आ गए उस दुकान पे और आज खोल लिया, बहुत ही अलग हो रखा है, मम्मी से मसाज कराई थी तब से ऐसे ही उठ के आ गया था। और तो भाई अभी करूँगा थोड़ा कॉलेज का काम, असाइनमेंट वगैरह, तो ये सब करके मिलता हूँ, और अगर कोई दोस्त यार दोस्त आएगा तो उससे भी मिलवाता हूँ थोड़ी देर में। फिलहाल के लिए कर लेता हूँ असाइनमेंट और थोड़ा हिसाब किताब का काम भेज लेता हूँ पापा को। फाइनली कर लिया पढ़ाई शढ़ाई अपनी और यहाँ पे आया अपने पास जय बाबा की भाइयों वाला भाई आया है कुरेनी से। भाई इसको सारे भाई सारे में लोग कहते हैं छपरी, इसका नाम इसको इंट्रोडक्शन करवाते हैं तो छपरी बोलते हैं सारे भाई। थोड़ा सा मैं बाइक तेज भगाता हूँ, कटकुट मार लेता हूँ, तो लोग मेरे से चिढ़ते हैं, तो छपरी बुलाते हैं, देख लो गाइस छपरी बुलाते, बाल हरे नहीं है मेरे लेकिन शक्ल जरूर छपरी जैसी है। अरे ये तो लोग चिढ़ते हैं, इसमें फिल्टर नहीं लगा वरना गोरा हूं मैं। अच्छा मेरे में कैसे लग गया फिर भाई? एक फोन ही ऐसा, एक बंदे में फिल्टर लगता है ले अब। अरे जय बाबा की सिस्टम है भाई, गदर सिस्टम गदर सिस्टम। और तो अभी मिक्कू भी आ रखा था और अभी भी आ रखा था, दोनों भाई चले गए, दोनों के घर से भी फोन आ गया और पापा भी आए थे अभी, तो 9 बज चुके हैं। देखो कल बहुत जबरदस्त चीज होने वाली है, कल क्या चल रहा है ब्रो बताएंगे नहीं, बहुत जबरदस्त बताएंगे, पर सस्पेंस है, बहुत सस्पेंस है, पर बहुत तगड़ा होगा, बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा, तगड़ा तगड़ा, बहुत तगड़ा, बाकी हम 12वीं में है, ये बेचारे 10वीं में रह गए, तेरे कितने 40% भाई, मैंने 10वीं के बोर्ड्स ही नहीं दिए थे, ऐसे ही पास हुआ था, भूल गया कोरोना वाला बैच है, इसने जीपे जीपे कर दिया था उनको, ऐसा काफी लग गया था, बात अलग है वो। अब बता कल का क्या सिस्टम है, कल का सिस्टम सुबह का सिस्टम अलग है, दिन का सिस्टम अलग है, शाम का सिस्टम पूरा एलवी से ज्यादा बन रहा है। देख बस देखते रहिए क्या होता है कल, पूरा बेमल हो जाओगे आप जैसी देखो। यार तू यार स्कूटी तो ले आया, उस सब क्यों नहीं लाया? उस सब ब्रो जिम में
चिमनी में वो जिम में है, मैंने उससे बोला भाई ट्यूशन चल ले, मैंने बोला भाई उसे बाहर चल ले, वो कहीं हर चीज के लिए मना करे भाई, जिम जाना है उसे बॉडी बनानी। और सुनाते भाई क्या हाल है, सिस्टम हैंग जय बाबा की है, जय बाबा की है, जय बाबा की है, बाबा की है, सिस्टम हैंग है। अरे भाई अगर औकात देखने हो ना तो बैंक बैलेंस चेक करें भाई, पेटीएम फोन पे नहीं। तो भाई अभी देखते हैं कुछ आगे सीन होगा बताने का, तो दिखाऊंगा तो मिलता थोड़ी देर में। दोनों भाई आ गए हैं दुकान पर सोने के लिए, एंड भाई दो तीन दिन से पता नहीं क्या ही हो रहा था भाई, एक बार लाइट जला ले व्लॉग बना लूंगा। तो भाई दो तीन दिन से पता नहीं क्या आ रहा था, परसों ऐसा सर दर्द हुआ, उसके बाद कल से और आज मतलब इस टाइप का सर दर्द हुआ, तीन दिन मेरे को लगातार सर दर्द हुआ है। परसों तो मतलब प्रॉपर जो सर दर्द होता है वो होता है, लेकिन कल और आज ऐसा हुआ कि मतलब दो घंटे हो रहा है, दो घंटे नहीं हो रहा, चीज मच रही अलग से, पेन नहीं हो रहा, मतलब जलन सी मच रही है पूरे सर में, पता नहीं क्या हो रहा था। मसाज भी करवा के आया हूँ और पता नहीं क्या क्या करवाया भाई, दवाई ववाई सब ले ली, अभी दवाई लेके सो रहा हूँ ताकि आराम पड़ जाए। और तो देखो कल तक अगर ठीक हो गया तो नहीं फिर तो डॉक्टर पास जाऊँगा। तो फिलहाल के लिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना हमारे चैनल को। सो बाय, जय हिंद।